दोस्तों भोले भंडारी, आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं उस परमपिता को, उस दुनिया के संचालन शक्ति को नमन करता हूँ। मैं सभी महान आत्माओं को, सभी प्राणी मात्र को नमन करता हूँ, सभी ब्रह्मांड के सभी कण कण को नमन करता हूँ। दोस्तों आज अभी मुझे एक अद्भुत अच्छा समाचार मिला ईश्वर की तरफ से। भगवान ने क्या बताया कि मंगल मंगल सुन, अब भारत में एक विशेष यंत्र का आविष्कार हो गया है। जो इस तुम्हारी ग्लोब पर, पृथ्वी पटल पर कहीं नहीं है। वह सिर्फ, उसका आविष्कार सिर्फ भारत में हुआ है। मेरी आंखें चमक उठी, मैंने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताओ क्या है वो। परमात्मा ने बताया कि आज तक तो अभी जो सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स तो आज तक विज्ञान में पैदा हुए हैं वो रिमोट कंट्रोल से चले जाते हैं। वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेस्ड मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल वे होते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेस्ड मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल, ईएम मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल। आज तक जो बड़े सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं, सबसे अच्छे वे ये हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल। लेकिन अब भारत में एक ऐसे रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हो गया है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल है। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल है, मतलब कि दुनिया के पास जो ये टेक्निक डेवलप हुई है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ड मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल है। लेकिन भारत में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ड बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हो गया है। बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल, मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई ये क्या है, पूरा बताओ। उन्होंने कहा कि मंगल सुनो, अब जो भारत है वह इस मेटेरियल साइंस की वजह से, इसकी वजह से नहीं जी सकता। अब वह इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ड बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल की वजह से जीतेगा। कैसे, इसको आप ऐसे समझिए कि अभी तक हम क्या देखते हैं, जो रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वह ऐसे है जैसे कि देखो ड्रोन को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, वह मानव के इशारों पर नाचता है, अपनी एक्टिविटीज करता है और आसमान में उड़ता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल डिजिटल डेविस है, ये एक गैजेट्स है जो ड्रोन है जो इस तरह से करता है। इस तरह के और भी गैजेट्स, और भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ड बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल, बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल भारत को हस्तगत हो गया है। और इन दोनों में इतना फ़र्क है कि यह जो मेटेरियल साइंस बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल है, इससे सैकड़ों गुना अद्भुत है, वो पावरफुल टूल है। क्या, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल। मतलब कि अभी तो आप क्या करते थे कि रिमोट कंट्रोल से, मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल से जैसे चलाते थे हवाई जहाज़ों को, जैसे चलाते थे ड्रोन को,
जैसे कोई और एक्टिविटीज करते थे। अब इसके रिफाइंड वे में आदमी के पास एक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल आ गया है। भारत में एक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हो गया है और वह इतना शक्तिशाली है कि अब तो वो मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल से वर्तमान में क्या को ड्रोन को चलाता था, कहीं कहीं हवाई जहाजों को चलाने के आविष्कार हुए हैं। अपोलो मिशन में भी रिमोट कंट्रोल का यूज हुआ है, जहाँ पर कि वे रिमोट से संचालित मिशन यान होते हैं। लेकिन अब क्या है कि बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हो गया है भारत में, भारत उसकी वजह से दुनिया का सरताज बनेगा। क्या बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल, बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल, और वह इतना शक्तिशाली है, इन प्रेजेंट रिमोट कंट्रोल से इतना शक्तिशाली है कि उस रिमोट कंट्रोल से बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े देशों को, बड़े बड़े संस्थाओं को, बड़े बड़े साम्राज्यों को, इवन इस ग्लोब को भी हवा में उछाला जा सकेगा और सबको ऐसे एक झुंझुने की तरह से बजाया जा सकेगा। मतलब कि ये नदियाँ, पहाड़, ये देश, ये दुनिया, ये लोगों का साम्राज्य और यहाँ तक कि ग्लोब को भी झुंझुने की तरह से हवा में नचाया जा सकेगा। जैसे कि मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल आजकल ड्रोन को नचाता है, इस तरह से वह टूल ही भारत का सहारा बनेगी और उसकी वजह से ही भारत है जो दुनिया में सिरमौर बनेगा। भारत दुनिया का राजा बनेगा, भारत दुनिया का दिशा निर्देशन करेगा और भारत में वर्ल्ड गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बनेगा। मैंने कहा सर ये तो बहुत अद्भुत अच्छी न्यूज है, सुबह सुबह इसको जल्दी मेटेलाइज होने दीजिए सर, जल्दी आने दीजिए। उसने कहा मंगल ये आ रहा है, किसी नहीं सुना दोबारा सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल अब भारत में डेवलप हो गया है और वह मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल से सैकड़ों गुना पावरफुल है, हजार गुना पावरफुल है, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं। अब तक तो ड्रोन को और हवाई जहाज़ों को ही रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता था, कारों को चलाया जाता था, अब क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े देशों को, यहाँ तक कि इस प्लेनेट को भी रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकेगा और इस तरह से किया जा सकेगा। जैसे कि ये सारी चीज़ें उस रिमोट कंट्रोल के आगे एक झुंझुने की तरह हैं, झुंझुने को जैसे हाथ में घुमाकर बजा दिया, ऐसे ही वह रिमोट कंट्रोल की शक्ति होगी। भारत तभी इस दुनिया का सरताज बनेगा। मुझे उस परमात्मा ने मैसेज दिया, मैंने आपको दे दिया उस रिमोट कंट्रोल की वजह से, और वह है बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल। वर्तमान टेक्निक ये मैकेनिकल डिजिटल रिमोट कंट्रोल भी है नहीं, इससे रिफाइंड वे वो बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल है। ईश्वर ने मुझे यही बताया, मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते हैं भगवान क्या करता है, अच्छा ही करेगा, वो ऐसा ऐसा ही करेगा जैसा वो बताता जा रहा है। धन्यवाद, आज इतना ही। जय जय भारत।